आज से हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रोस्टैट में हम ऐसे चार्जेस के बात करते थे जो रेस्ट पे रहते थे। अगर चार्जेस रेस्ट पे रहते थे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते थे। बट ऐसा अब क्या करना शुरू कर रहे हैं कि अब चार्ज को हम मोशन में लेके आ रहे हैं, कि चार्ज को मोशन में लेके आने का सबसे ईजी तरीका है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम इस वाले सेगमेंट में उन चार्जेस की बात कर रहे हैं जो मोशन में है। अब चार्जेस दो तरीके से मोशन में रह सकते हैं, या तो चार्जेस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करें या फिर वो एक्सेलरेट करें। तो इसमें भी एक पर्टिकुलर सेक्शन वो पढ़ रहे हैं जिसमें चार्जेस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करें। सो जितने भी हम चार्जेस की बात करेंगे सो वो सब के सब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। Charges are moving with constant velocity. ठीक है, तो देखो कि जब भी चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया इलेक्ट्रिक करंट is defined as rate of flow of electric charge, कि एक पर्टिकुलर एरिया से एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, करंट। अच्छा, करंट को डिफाइन करते हैं हम I से, और करंट को हमने कैसे लिखा, चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टाइम। टाइम, ठीक है, चलो इसका यूनिट भी डिफाइन करते हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो करंट की यूनिट आ सकती है कूलम पर सेकंड। अच्छा, कूलम पर सेकंड को ही क्या बोला गया, एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो जो करंट है उसका यूनिट हम आता है एम्पियर, तो हम एम्पियर में इसको डिफाइन करेंगे। अब करंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है एवरेज करंट, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो देखो, एवरेज करंट, एवरेज करंट को हम डिफाइन करते हैं टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टोटल टाइम, कि टोटल टाइम में कितना टोटल चार्ज फ्लो कर गया। और एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो आई इंस्टेंटेनियस, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो आई एवरेज को कैसे डिफाइन किया, आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर गया होगा और डेल्टा टी टाइम के अंदर। अच्छा, तो मतलब ये एक पर्टिकुलर एक सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल है, इस सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल में इतना चार्ज इसमें से फ्लो कर गया। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि ये जो टाइम है ये बहुत ही छोटा है, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, जैसे 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे, उस इंस्टेंट पे जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा उसको हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम, कि जो भी ये टाइम होता है इसकी बहुत ही छोटी क्वांटिटी लेते हैं। तो ये जो टाइम है, ये जो डेल्टा टी है, इट टेंड्स टू ज़ीरो इन डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो ठीक है, अगर ये डेल्टा टी ज़ीरो को टेंड करेगा तो चार्ज भी बहुत छोटा मूव करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी टी। तो आई इंस्टेंटेनियस इज डिफाइंड एज डी क्यू बाय डी टी। मतलब अगर तुम चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा, और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कर दोगे तो एवरेज करंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको ही देखो, अगर मैं इस वाली क्वांटिटी को देखता हूँ यहाँ पर, कि मुझे अगर चार्ज दिया गया है तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि मुझे करंट दिया हुआ है और उससे चार्ज फ्लो निकालना है, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ और डी क्यू लिखता हूँ। तो डी क्यू इज़ इक्वल टू आई इंस्टेंटेनियस इंटू
डी टी। अगर मुझे टोटल चार्ज फ्लो निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा चार्ज इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी, ये आ गया इंटीग्रल। अगर देखो आई इंस्टेंटेनियस वेरिएबल हुआ तो इसको हमें इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज फ्लो निकालना पड़ेगा, चार्ज फ्लो। बट अगर आई इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट हो गया तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, ये आई इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट हो जाएगा तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो चार्ज फ्लो हम लिख सकते हैं क्यू विल बी आई इंस्टेंटेनियस इंटू, फिर ये क्या बच जाएगा, डी टी का इंटीग्रल बच जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी, मतलब चार्ज हम निकाल सकते हैं क्यू विल बी करंट इंटू टाइम। लेकिन देखो ये तुम तभी लगा सकते हो जब करंट कांस्टेंट होगा, अगर करंट कांस्टेंट नहीं हुआ तो चार्ज को निकालने के लिए तुम्हें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा इसमें और बातें करते हैं, देखो कि करंट के नेचर की बात करते हैं, कि करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है तो करंट स्केलर है, वेक्टर है कि क्या है। देखो हमें पता है कि जो जो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है करंट उसी डायरेक्शन में हम मानते हैं, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मानते हैं। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है कि उसके पास 2 एम्पियर करंट है या 4 एम्पियर करंट है, 6 एम्पियर करंट है, और डायरेक्शन भी है कि वो राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, कि जैसे मान लो कि एक ये वायर है, एक ये वायर है, ठीक है, इसमें करंट आ गया 3 एम्पियर और इसमें करंट जा रहा है मान लो 5 एम्पियर, और एक ये वायर ऐसे है तो मुझे इसमें करंट फाइंड आउट करना है, और इस वाली वायर के अंदर जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री। तो देखो इसको बोलते हैं जंक्शन। अगर इसमें मुझे करंट निकालना होता और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता तो यहाँ पर हम करंट लिखते ऐसे, इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करवाते तो इसको करंट लिखते 3 स्क्वेयर प्लस इसका कितना होता 5 स्क्वेयर प्लस 2 × 3 × 5, ये आ जाता cos 30। तो इससे जो भी आंसर आता वो नेट करंट निकल गया था, बट ये करंट इतना नहीं आया, ये करंट कितना आया, ये आया 8 एम्पियर। कैसे, इसको हम जंक्शन बोलते हैं। देखो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि जंक्शन लो, एक लो होता है जंक्शन लो, वो क्या कहता है, वो कहता है किसी भी एक जंक्शन पे जितना भी करंट अंदर आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर जाना चाहिए। इस जंक्शन में 3 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा है, 5 एम्पियर का करंट भी अंदर आ रहा है, तो टोटल करंट 8 एम्पियर इस जंक्शन के अंदर आ गया, तो उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए, तो 3 + 5 ये कितना हो गया 8। अगर मैं मान लूँ कि ये दो वायर को मैंने 30 डिग्री पे ना रख के 60 डिग्री पे रखें, तो जैसे अगर ये ऐसे कर लेते हैं कि ये 3 एम्पियर हो गया, ये 5 एम्पियर हो गया, और ये दोनों के वायर के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। अब मुझे इसमें करंट निकालना है, अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता तो जैसे ही मैंने एंगल चेंज कर दिया करंट भी चेंज हो जाना चाहिए था, बट करंट तो अभी भी कितना आया, इस जंक्शन पे ये करंट 3 आया, ये 5 आया, दोनों करंट अंदर आए तो नेट करंट बाहर कितना गया 8 एम्पियर। मतलब इन दो वायर के एंगल्स कितने होंगे इसके ऊपर, इस करंट के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चाहे 60 कर दो, 90 कर दो, 10 डिग्री कर दो, यहाँ पर करंट हमेशा सेम आएगा। तो देखो जो करंट होता है, करंट हैज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, बट इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कि करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं करता है, तो इसलिए इसको वेक्टर तो नहीं कह सकते। तो या तो करंट को बोलो आप कि करंट स्केलर है, ठीक है। इससे और अच्छा एक वर्ड हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज़ 3 टाइप से डिफाइन की जाती है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तो स्केलर हम उनको बोलते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर हम उनको बोलते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं हम, टेंसर।
तो करंट को हमें बेसिकली टेंसर बोलना चाहिए, लेकिन अगर टेंसर नहीं होगा ऑप्शन में तो आप उसको स्केलर बोल सकते हो, तो ठीक है उसको मेनली तो उसको टेंसर बोलना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, करंट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी तक हमने ये चीज़ सीखी है कि अगर मुझे एवरेज करंट फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे टोटल चार्ज को टोटल टाइम से डिवाइड करना होगा, और अगर मुझे किसी इंस्टेंट के ऊपर करंट निकालना है तो चार्ज को मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। अच्छा, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट गिवन है तो उससे मुझे चार्ज फ्लो निकालना है, तो अगर करंट कांस्टेंट हुआ तो मैं उसको सीधा टाइम से मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर करंट वेरिएबल होगा तो मुझे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो इन्हीं बातों के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज़ गिवन एज 3t² + 2t। हमसे ये पूछा है करंट एट t इजिकल टू 2 सेकेंड बताओ एंड करंट इन 2 सेकेंड बताओ। तो देखो एट और इन ये वर्ड्स यूज़ होने की वजह से इन क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है। करंट एट 2 सेकेंड का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, 2 सेकेंड पर ही हमें करंट निकालना है, तो मतलब ये हमसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस करंट हम कैसे निकालेंगे, आई इंस्टेंटेनियस इट विल बी dq/dt, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो आई इंस्टेंटेनियस विल बी d/dt ऑफ 3t² + 2t। ठीक है, 3t² का डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा 60 प्लस 2t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2, तो ये तो आ गया हमारे पास आई इंस्टेंटेनियस। अब मुझे निकालना है एट t = 2 सेकेंड, तो आई इंस्टेंटेनियस हो गया 6 × 2 + 2, ये आ गया 14 एम्पियर, मतलब 2 सेकेंड पे 14 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अगर मुझे इसमें पूछा जाता कि 0 सेकेंड पे कितना करंट फ्लो हो रहा है तो t को 0 रख देते तो ये क्वांटिटी 0 हो जाता, तो करंट 0 सेकेंड पे आता 2 एम्पियर, ऐसे ही 1 सेकेंड पे आता 8 एम्पियर, 2 सेकेंड पे आया 14 एम्पियर, तो जैसे जैसे इंस्टेंट चेंज होता रहेगा करंट चेंज होता रहेगा। अच्छा, इसी में सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फाइंड करंट इन 2 सेकेंड, इसका मतलब है ये हमसे एवरेज करंट पूछ रहा है, एवरेज करंट बताओ और जिसमें टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल पूछ रहा है 0 से 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड का मतलब हुआ 0 से 2 सेकेंड, तो एवरेज करंट इन 2 सेकेंड विल बी फ्रॉम t = 0 to t = 2 सेकेंड, तो मैंने इसको बोल दिया t इनिशियल और इसको बोल दिया t फाइनल, तो एवरेज करंट हम निकालते हैं, I एवरेज विल बी टोटल चार्ज फ्लोन डेल्टा q डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, डेल्टा q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ q फाइनल माइनस q इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। अच्छा, तो मुझे q फाइनल निकालना है, तो q फाइनल का मतलब हुआ एट t = 2 सेकेंड, तो ये जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इसमें टाइम को 2 सेकंड पुट कर दो तो हमें चार्ज पता चल जाएगा कि फाइनली 2 सेकंड पर कितना चार्ज मूव कर रहा था, तो 3 × 2² + 2 × 2, ये हो गया 4 × 3 = 12 + 4, ये आ गया 16 कूलम। अच्छा, क्यू इनिशियल मतलब एट t = 0 सेकंड, तो इसमें 0 पुट करेंगे तो चार्ज आ जाएगा 0, तो Q फाइनल आ गया 16 कूलम, Q इनिशियल आ गया 0, तो हम ये सारा डेटा इसमें पुट कर देते हैं, तो Q फाइनल आ गया 16 माइनस Q इनिशियल हो गया 0 डिवाइड बाय T फाइनल 2 माइनस T इनिशियल 0, तो 16/2 ये कितना आ जाएगा 8 एम्पियर, मतलब 2 सेकंड पर 14 एम्पियर का चार्ज मूव कर रहा था लेकिन 2 सेकंड में 8 एम्पियर का चार्ज मूव कर रहा है, तो ये एवरेज करंट है और ये इंस्टेंटेनियस करंट है। अच्छा, इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हमें करंट दे दे और हमसे चार्ज फ्लोन पूछे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि करंट इज गिवन एज आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन है, यह है 3t² + 4, और हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड चार्ज फ्लोन
इन 2 सेकेंड, और इसका सेकेंड पार्ट है बी फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, कि 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया और 2 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो, ये जो करंट दिया हुआ है ये टाइम के साथ वेरी करते जा रहा है, मतलब ये वेरिएबल करंट है। तो वेरिएबल करंट से चार्ज कैसे निकालते हैं, इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो चार्ज फ्लोन क्यू विल बी इंटीग्रल ऑफ ये करंट, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इन 2 सेकेंड का मतलब हुआ कि 0 से 2 सेकेंड, तो लोअर लिमिट आ गई 0 और अपर लिमिट आ गई 2। तो ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इंटीग्रल ये आ गया 3t² + 4 इंटू ये dt, ये 0 से लेकर 2। तो चार्ज फ्लोन विल बी 3t² का इंटीग्रल हो गया 3 × t³/3 लिमिट 0 से 2, प्लस 4 का इंटीग्रल हो गया 4t लिमिट 0 से 2, 3 से 3 कैंसिल। तो ये आ जाएगा, इसके अंदर लिमिट रखेंगे 2³ - 0 प्लस 4 × 2 - 0। तो ये जो भी चार्ज फ्लोन आ गया q विल बी 2³ 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो 8 + 8 = 16 कूलम, मतलब 2 सेकेंड में 16 कूलम का चार्ज फ्लो कर गया। अगर ये करंट वेरिएबल था इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट किया। अगर यही करंट कांस्टेंट होता, कि अगर ये 3t² नहीं दिया होता तो सिर्फ और सिर्फ 4 गिवन था, तो ये टाइम के साथ वेरी तो नहीं कर रहा है। तो अगर 2 सेकेंड में हमसे तब चार्ज पूछते तो हम डायरेक्ट करंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते, फिर आंसर आ जाता 4 × 2 = 8। अब हमसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। ठीक है, तो देखो जो करंट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, जो चार्ज होता है चार्ज q, वो क्या होता है, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो या तो ये प्लस माइनस n इंटू e हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखूं, चार्ज का मैग्नीट्यूड विल बी n इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम कितना लिखते हैं, 1.9 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, हमसे टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया, 16। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, ये कैसे निकल सकता है, q डिवाइड बाय e, q हो गया 16, e हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, ये इससे कट जाएगा 10 बचेगा, ये ऊपर जाएगा, तो 10⁻²० इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 सेकेंड में 10⁻²० इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यहाँ लग रही है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, तो पॉजिटिव चार्ज राइट मूव करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज राइट मूव करेगा, इसका मतलब है इसके वजह से जो करंट होगा वो भी राइट मूव करेगा। अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है लेफ्ट, लेकिन करंट का क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो जो करंट होगा वो फ्लो करेगा यहाँ पर। तो देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, जो करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो आप ये कह सकते हो कि जो करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, या ये कह सकते हो कि करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करेगा और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट फ्लोज इन द
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चाहिए आप ये बोल सकते हो, चाहिए आप ये बोल सकते हो। अच्छा, अगर देखो मैं ओवरऑल नेट करंट निकालूं कि किसी भी एक सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट राइट आया, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी करंट राइट आया। अगर मैं इसमें नेट करंट निकालूं तो नेट करंट तो ऐड हो जाएगा। अगर करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो नेट करंट कितना आया, आई पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव। देखो करंट अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं, जैसे जब भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे तो करंट मूव करेगा। जैसे अगर हम सिर्फ कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स में क्या होता है कि कंडक्टर्स में एक एटम है, बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो उसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो सब न्यूक्लियस के अंदर बाउंड रहते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो एकदम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बस वही फ्री होता है, बाकी सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाउंड होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से करंट आता है। तो इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक कंडक्शन या इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली। कंडक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है। लेकिन जैसे अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, इन इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे मान लो कि एक ये सॉल्यूशन है, ये वाटर था, इसके अंदर हमने NaCl डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव आयंस भी होंगे और Cl नेगेटिव आयंस भी होंगे। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाई हुई है E, तो पॉजिटिव आयंस यहाँ मूव करेंगे, तो इन पॉजिटिव आयंस की वजह से जो करंट आएगा वो यहाँ आएगा, आई ड्यू टू Na पॉजिटिव। अच्छा, Cl नेगेटिव आयंस इधर मूव करेंगे तो Cl नेगेटिव की वजह से जो करंट आएगा वो इधर आएगा, आई सी एल नेगेटिव। तो नेट करंट अभी भी कितना आया, नेट करंट आया, दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो दोनों करंट जुड़ गए, आई Na पॉजिटिव प्लस आई सी एल नेगेटिव। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट किसके वजह से आता है, पॉजिटिव आयंस की वजह से भी आता है और नेगेटिव आयंस की वजह से भी आता है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कंडक्टर्स के अंदर कौन करंट कंडक्ट करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, बट इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए उसके अंदर करंट पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों कंडक्ट करते हैं। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स करंट इज ड्यू टू पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, ओके। देखो हम और बात करते हैं, इसके अंदर कंडक्टर्स की ही बात करते हैं, पर्टिकुलर है कि इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स की हम बातें करेंगे मेनली। तो कंडक्टर्स तो किसी भी शेप के हो सकते थे, जैसे मान लो कि एक कंडक्टर कुछ ऐसे था, ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाई, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी तो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सब इधर मूव करने लगे, तो इसमें करंट कहाँ आने लगा, इसमें करंट आने लगा यहाँ पर अपोजिट टू द फ्लो इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी करंट था वो यहाँ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ करंट मूव कर रहा है आई वन, यहाँ करंट मूव कर रहा है आई टू। तो देखो जो करंट होता है हम उसको कैसे बोलते हैं कि एक इस जंक्शन पे अगर टी टाइम पे 2 एम्पियर का करंट आया है, तो इस वाले जंक्शन पे भी टी टाइम पे 2 ही एम्पियर का करंट बाहर जाएगा। मतलब किसी भी एक जंक्शन पे, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था किरचॉफ लॉ, हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, वो क्या कहता था कि किसी भी एक जंक्शन पे जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। जैसे अगर ये करंट था 3 एम्पियर, ये वाला करंट था 5 एम्पियर, और ये कुछ भी एंगल हम ले सकते, तो यहाँ पर करंट कितना आ गया था बाहर की तरफ, 8 एम्पियर। तो इस जंक्शन पे जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस जंक्शन पे देखो, अगर हम ऐसी बात करें तो इस जंक्शन पे आई वन करंट अंदर जा रहा है तो आई वन करंट ही बाहर जाएगा। ऐसे ही इस वाले जंक्शन पे भी बात करें तो आई वन करंट अंदर आएगा, आई वन करंट ही बाहर जाएगा। ऐसे ही इस पे भी
आई वन करंट अंदर आएगा और आई वन करंट ही बाहर जाएगा, तो ये वाला और ये वाला करंट सेम होना चाहिए। तो इन्हें पर्टिकुलर कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब ये और ये करंट सेम होना चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आई वन शुड बी इक्वल टू आई टू, कि किसी भी शेप का कंडक्टर होगा तो उसमें हर पॉइंट पे सेम करंट मूव कर रहा होगा, तो ऐसा करंट डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो सकता। अगर एरिया चेंज होगा तो करंट तब भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो, एक क्वेश्चन देखो ऐसा है, क्वेश्चन वन, ये क्या कहता है कि इन ए डिस्चार्ज ट्यूब 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स move to the left and 4×10⁻¹⁸ protons move to the right through a क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द चार्ज ऑफ द करंट, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। ठीक है, तो किसी भी एक डिस्चार्ज ट्यूब का क्या मतलब होता है कि एक ट्यूब है, उसके अंदर क्या किया है हमने, बैटरी लगा दी, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जो भी गैसियस आयंस है उसको आयनाइज कर देता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बन गए, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेफ्ट, तो इसके वजह से जो भी करंट आएगा वो आ जाएगा राइट की तरफ। ठीक है, और जो प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं राइट को, तो इसके वजह से करंट आ जाएगा राइट में ही। तो आई नेट एक तो कितना होगा, आई ई प्लस आई पी। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड में इतने प्रोटॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखे एन ई, ये आ गया 6×10⁻¹⁸, तो चार्ज कितना आ जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज नेट चार्ज मूव कर रहा होगा, ये आ जाएगा एन ई इंटू ई, मतलब ये हो गया 6×10⁻¹⁸ ई। ओके, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, एन पी इंटू ई, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं 4×10⁻¹⁸, और प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, ई होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होता है, ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो गया ई। ठीक है, तो टोटल चार्ज इतना मूव कर गया, टाइम उन्होंने कितना बोला 1 सेकेंड, कि सारी कहानी 1 सेकेंड के अंदर हो रही है। तो ठीक है, आई ई को हमने लिखा कितना, क्यू ई बाय टी, प्लस आई पी को कितना लिखा हमने, क्यू पी बाय टी, तो आई नेट आ गया QP प्लस QE बाय टी। QP प्लस QE इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 6
प्लस फोर, ये बन जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू पावर 18 ई डिवाइड बाई, टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। तो ठीक है, जो हमारा आई नेट चल रहा है, आई नेट कितना आया 10 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 1। तो ओवरऑल कितना हो गया, ये 10 की पावर 19 ये कट जाएगा, तो बचेगा 1.6 एम्पियर। और जो आई नेट आया है वो कहाँ मूव कर रहा है, राइट की तरफ। तो हमने मैग्नीट्यूड भी बता दिया और उसका डायरेक्शन भी बता दिया। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस पाई सेंटीमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं कि क्या है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड मैंने ई बोल दिया, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम हो गया। ठीक है, कि लेट से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, वी स्पीड से, तो करंट कैसे आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो करंट ऐसे आ जाएगा आई। तो हमें यही करंट फाइंड आउट करना है, ये जो इसका रेडियस है ये आर है। तो ठीक है, हम करंट कैसे डिफाइन करते हैं, करंट डिफाइन करते हैं चार्ज, चार्ज कितना मूव कर रहा है ई डिवाइड बाय यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब ये वापस एक पूरा सर्कल कवर कर लेगा तो टोटल इसको टाइम लगेगा टी। तो टाइम हमने कैसे लिखा, टाइम लिखा कि जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 2πr, इसका सर्कमफ्रेंस 2πr। अच्छा, और इसका स्पीड हो गया कितना, ये स्पीड कितना हो गया v हो गया, तो इसने टाइम कितना लिया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो इसने इतना टाइम ले लिया। तो करंट कितना आ गया है, करंट आ गया e, ये जब इसमें ऐसे रखेंगे 2πr डिवाइड बाय v, तो करंट का फॉर्मूला क्या बन के आ गया, ये आ गया ev डिवाइड बाय 2πr। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको हमें जनरलाइज भी सीख लेना चाहिए कि अगर एक कोई भी चार्ज q है और वो q कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, ठीक, तो ये जो चार्ज है ये इस वाले वायर में करंट प्रोड्यूस कर देगा, और करंट को कैसे लिखते हैं, q v डिवाइड बाय 2πr। तो इसलिए यहाँ पर कितना आ गया ई वी डिवाइड बाय 2πr। अच्छा, इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻¹⁹, V कितना हो गया 5 × 10⁶ डिवाइड बाय 2π इंटू, ये कितना हो गया R, ये सेंटीमीटर में दिया गया इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, π × 10⁻²⁻². तो देखो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि पाई स्क्वायर को हम 10 बोल सकते हैं, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 10। तो ओवरऑल जो करंट आ गया ये आ गया ये 1.6 का पॉइंट यहाँ चले जाएगा, तो 10 × 10 ये इसको कट कर देगा, ये ऊपर चले जाएगा 8 पे, 8 × 5 = 40, और ये बच जाएगा 10⁻³⁰, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻½ एम्पियर। अच्छा, देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, हमने करंट को डिफाइन किया था, अब हम एक चीज़ डिफाइन करने वाले हैं जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट, इट्स करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर पर यूनिट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे एक ये कंडक्टर मान लेते हैं कि एक ये कंडक्टर है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को हमने आई से डिनोट किया, ठीक है, इसका ये जो भी एरिया है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू हो गई ए। तो देखो ये जो करंट है ये इस एरिया के परपेंडिकुलर है, ये जो एरिया है वो करंट के परपेंडिकुलर है,
तो इसलिए हमने इसके अंदर एक करंट डेंसिटी डिफाइन किया जिसको क्या बोलते हैं, जे से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू आई बाई ए। हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एरिया होता है ये करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये लिख सकता हूँ दिस एरिया शुड बी, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जैसे इस वाले केस में तो क्या था कि करंट ऐसे मूव कर रहा है तो जो ये एरिया है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो हमने इसको मैं जे डिफाइन कर दिया आई बाई ए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि करंट और एरिया परपेंडिकुलर नहीं हो। जैसे अगर मैं इसी में इसको ड्रॉ करूँ, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि हमें ये वाला एरिया गिवन है, ठीक है। अच्छा, इस एरिया को मैंने बोल दिया ए प्राइम बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है एरिया, एक होता है एरिया वेक्टर। जैसे अगर हम चीज़ समझे कि ये पूरी की पूरी एक शीट है तो इसका एरिया हो जाएगा ये, तो एरिया वेक्टर इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, तो इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर, जो ये पेन का डायरेक्शन है। अच्छा, और इसको बोलते हैं एरिया। तो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। तो अगर मैंने कभी भी इसको ऐसे लिखा है ए बार, तो इसका मतलब होगा इसको मैंने क्या बोला है, एरिया वेक्टर। अगर मैं सिंपल ए लिखता हूँ इसका मतलब है ये है एरिया, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर इसमें ए लिखा है तो ये जो एरिया है वो आई के परपेंडिकुलर है। अगर ये एरिया है तो इसका मतलब है ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और करंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एरिया और करंट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने इसको बोला है कि इसका एरिया है ए प्राइम, तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ चले जाएगा ए प्राइम वेक्टर, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर ए प्राइम ऐसे जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और करंट ऐसे जा रहा है तो करंट के परपेंडिकुलर क्या होगा कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। तो इस वाले केस में हम जे को डिफाइन कर सकते हैं, जे विल बी, इसमें करंट कितना जा रहा है आई, और करंट के परपेंडिकुलर एरिया कितना हो जाएगा इसका, ये यहाँ पर कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्राइम कॉस थीटा, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि जो भी जे है, जे को हम डिफाइन करते हैं करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर वो करंट के परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है तो उसको आप क्रॉस कॉस थीटा उसका करके उसका डॉट प्रोडक्ट लेके उसको आप परपेंडिकुलर बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, इससे अगर मैं करंट निकालूँ, करंट विल बी जे इंटू ए प्राइम इंटू कॉस थीटा। इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर ए भी एक एरिया वेक्टर होता है और जे जो करंट डेंसिटी होती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको भी हमें ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके भी लिखना चाहूँ तो ये करंट को लिख सकते हैं जे डॉट ए ऐसे, ठीक है। जिसमें ये थीटा का क्या मतलब हो गया, थीटा का मतलब हो गया एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड आई, कि आई और एरिया वेक्टर के बीच का जो भी एंगल होगा वो ऐसे डिफाइन किया जाएगा। अच्छा, इसमें भी ये चीज़ देखो कि अगर मैं करंट को लिखना चाहूँ, इफ़ जे इज वेरिएबल, अगर जे वेरिएबल हुआ तो क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक हर पॉइंट पे जे वेरिएबल है, तो ये छोटा सा हमने एरिया लिया है, इस छोटे से एरिया को हमने बोला डी ए, तो ठीक है। तो मुझे इसमें क्या लिखना चाहिए, मुझे इसमें करंट निकालना है और जिसमें जे हमें गिवन है, तो मैं करंट कैसे लिख सकता हूँ, करंट विल बी इंटीग्रल जे डॉट
डी। अच्छा, बट अगर जे कांस्टेंट हो गया तो ये जो जे है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो अगर ये इंटीग्रल से बाहर आ गया तो करंट को मैं लिख पाऊँगा जे डॉट डी ए, डी ए का इंटीग्रल हो जाएगा ए, तो हमने उसको लिखा जे डॉट ए। तो अभी भी वही बात है जो करंट के साथ हुई थी कि जैसे अगर करंट वेरिएबल होगा तो उसको इंटीग्रेट करके हम चार्ज लिख सकते हैं, ऐसे ही अगर जे वेरिएबल होगा उसको हम एरिया पे इंटीग्रेट करके करंट लिख सकते हैं। अगर जे कांस्टेंट होगा तो जे को डायरेक्ट एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन याद रखना है कि जो एरिया होगा वो करंट के परपेंडिकुलर वाला लेना है। चलो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर टू mm स्क्वायर, ठीक है, टोटल ऑफ 5×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ए टोटल ऑफ 5×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, फाइंड करंट एंड करंट डेंसिटी ऑफ द बीम, फाइंड करंट एंड करंट डेंसिटी ऑफ द बीम, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इन्होंने बोला है कि जो भी एरिया है, कि एक ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो भी करंट मूव कर रहा होगा, आई मूव कर रहा होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है। और इसमें क्या है कि 5×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से फ्लो कर जाते हैं लेकिन परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन से। तो जो भी ये एरिया है, ये पहले से इसमें परपेंडिकुलर एरिया गिवन है, तो ये एरिया लिखा गया, हाँ एरिया ए, ये लिखा गया 2 mm स्क्वेयर, इसका मतलब है 2 × इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻⁶ मीटर स्क्वेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, ये गिवन है 5×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो हम करंट तो फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट करंट विल बी एन ई, ये हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम, एन कितना हो गया 5×10⁻¹⁸, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6×10⁻¹⁹ डिवाइड बाय टाइम, टाइम हो गया 1 सेकेंड, ये पर सेकेंड की बात हो रही है। तो करंट की वैल्यू आ जाती है, ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10⁻¹ बच जाएगा, तो 0.8 एम्पियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने पूछा है करंट डेंसिटी, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं सेकंड, करंट डेंसिटी। तो इन्होंने जे पूछा है, जे को कैसे डिफाइन करते हैं, आई पर यूनिट एरिया, ये जो एरिया है वो पहले से ही करंट के परपेंडिकुलर है, तो मैंने डायरेक्ट परपेंडिकुलर एरिया लिख दिया, करंट आ गया 0.8 डिवाइड बाय एरिया आ गया 2×10⁻¹⁶, तो ये आ गया 0.4×10⁻⁶, मतलब 4×10⁻¹⁵। और करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, करंट का यूनिट हो गया एम्पियर डिवाइड बाय इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर।